नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। अब इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा कार्मिक विभाग को दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद झारखंड में भी इसको लेकर कई पार्टियों ने मांग शुरू की थी। झारखंड विधानसभा के पटल पर भी कई विधायकों ने मांग की थी। जातीय गणना को लेकर जो समस्या सामने आ रही थी, सीएम चंपई की सहमति से वह दूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बिहार में जब जातीय जनगणना शुरू हुई, तब से ही झारखंड में भी इसकी मांग होने लगी थी। आजसू, कांग्रेस, राजद सहित अन्य दलों ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर सदन में मांग रखी थी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस बात को उठाया था। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी मांग की थी, जिस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया था कि सरकार जातीय गणना के पक्ष में है। उनकी ओर से घोषणा के बाद सदन के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन यानी एटीआर भी पेश किया गया था। प्रदीप यादव ने बताया कि जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश उनके ज्ञापन के आलोक में दिया। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। प्रदीप यादव ने बताया कि वर्तमान गठबंधन की सरकार ने पहले भी इस पर गंभीरता से विचार किया था, जिसके बाद पिछड़ी जाति को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर देने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित करा गया था, जो अब तक पेंडिंग है। दरअसल जब जाति आधारित गणना की बात विधानसभा में हुई थी, तब सीएम हेमंत सोरेन थे। उन्होंने भी इसे लेकर इच्छा जताई थी। तब यह स्पष्ट नहीं था कि जाति आधारित जनगणना कौन सा विभाग कराएगा। सदन में जब एटीआर पेश किया गया, तब उसमें इस बात का उल्लेख था कि जाति आधारित जनगणना ग्रामीण विकास विभाग के अधीन नहीं आता है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। सदन में बताया गया कि मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाति आधारित जनगणना को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर कर दिया है। उन्होंने इस काम को अपनी मंजूरी दे दी है, साथ ही कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। कार्मिक विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी मौखिक आदेश आया है, लिखित रूप से कुछ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सहमति मिलने के बाद से कार्मिक विभाग इस काम को करेगा। जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी, इसकी समय सीमा स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की माने तो कार्मिक विभाग इसके लिए बहुत देर नहीं करेगा। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित गणना के आंकड़े सामने होंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।